हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फाइंड द इंटीग्रल 2x+1 अपॉन √4 − 3x − x² dx। हमारे पास ये एक इंडेफिनेट इंटीग्रल गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखें हम इस क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे। इससे पहले हमें की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? की कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट जो की मैन फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में वो ये है, इंटीग्रेशन dx फॉर a² − x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/a + c। c इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। इससे पहले अगर हम देखते हैं ये जो डिनोमिनेटर है 4 − 3x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4 − 3x − x², इसका डेरिवेटिव होगा 4 का डेरिवेटिव 0, 3x का 3, x² का 2x। माइनस का कॉमन निकाल ले हम 2x + 3। तो हम न्यूमरेटर में यही टाइप का कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, देखें कैसे करते हैं। आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या इंटीग्रल 2x+1 है हमारे पास, 2x+1 अपॉन √4 − 3x − x² dx। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं हम क्या इंटीग्रल 2x+3 लिख सकते हैं हम, 2x+3 अपॉन √4 − 3x − x² −2 −4 − 3x − x². देखें अगर हम ऐसे लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 2x+1 को हमें ये बनाना है 2x+3। आगे और सिंपलीफाई करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू अगर हम इधर माइनस साइन कर दें और माइनस इधर लगाएं 2x+3 dx अपॉन √4 − 3x − x² dx −2 बाहर आ गए √dx अपॉन √4 − 3x − x² ऐसे लिख लेंगे तो कोई दिक्कत। अब इस इंटीगरल को हम I1 सपोज कर लेते हैं और इस इंटीगरल को हम I2। अब इन दोनों का इंटीगरल्स को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। हमारा I1 क्या हो जाएगा? पहले I1 को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन कि माइनस हमने I1 को इतना एज्यूम करा है, सिर्फ इतना एज्यूम किया है, ये है हमारा I1। ये हो जाएगा हमारा क्या, लास्ट में हम इधर ही रखेंगे वैल्यूज −2x − 3 √4 − 3x − x² dx। ये अज्यूम कर लिया हमने। क्या करेंगे और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेट कर लेते हैं 4 − 3x − x² को u। ये u एज्यूम कर लिए तो 4 का डेरिवेटिव 0, 3x का − 3x² का − 2x, dx की वैल्यू कितनी आ गई? du। अब देखें इसकी जगह पर हम पूरे −2x du रख सकते हैं, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा हमारा, I1 = √du अपॉन, और ये हमारा कितना था, u था, ये फॉर्म आ गई। और ज्यादा सिंप्लीफाई कर लें, √1 √u का मतलब u की पावर −1/2 du। ठीक है, अब इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है पावर का, u की पावर 1/2 अपॉन 1/2 + c1। c1 इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो I1 हमारा कितना आ गया, 2 × √u। u कितना था हमारा, 4 − 3x − x² + c1।
ये हमारा सी आई वन आ गया है, अब हमें फाइंड करना आई टू। आई टू क्या था देखो, आई टू हमारा सिर्फ ये था देखो, इतने को हमने आई टू एज्यूम करा था, इंटीग्रल को माइनस टू को हमने हाइट सब हटा दिया था। हमारा आई टू क्या होता है नाउ, आई टू इज गिवन बाई इंटीग्रल डी एक्स अपॉन 4 माइनस 3x माइनस x स्क्वायर। अब हम अपना वही जो की कॉन्सेप्ट है वही लगाने की कोशिश करेंगे इसको, आई टू इज इक्वल टू रूट फोर माइनस साइन कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x। अब हम बेसिकली इधर स्क्वायर रूट कंप्लीट करने के प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये 3 का कोएफिशिएंट हाफ कितना होगा, 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐड करा और यही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब रूट के अंदर कहानी चल रही है। तो अब आई टू क्या बन गया हमारा, आई टू इज इक्वल टू रूट डी एक्स सॉरी फोर माइनस, ये चीज क्या बन गई देखेंगे, ये बन गया हमारा x+3/2 का होल स्क्वायर, x+3/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 9/4। 9/4 को इस 4 के साथ ऐड कर देंगे हम, तो आई टू कितना बजेगा, इंटीग्रल डी एक्स टू ऐड करने के बाद हम क्या बनेगा, ये 5/2 बन जाएगा, ये 5/2 का होल स्क्वायर माइनस x+3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें या तो हम x+3/2 को t ले लें, या इसको हम इस तरह से लिख लें, आई टू इज इक्वल टू इंटीग्रल डी ऑफ x+3/2, क्योंकि इंटीग्रल डी x+3/2 की वैल्यू भी डी एक्स ही होगी, 5/2 का होल स्क्वायर माइनस x+3/2 का होल स्क्वायर। अब हम लगा सकते हैं कि कौन सा रूट, वन अपॉन रूट a² - x² वाला फॉर्मूला, आई टू इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a होता है, साइन इनवर्स x कितना है हमारा x+3/2, कौन a कितना है 5/2 प्लस सी टू, सी टू इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगेन। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आई टू इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x+3/5 प्लस सी टू। अब हमारा हमें तो इंटीग्रल आई की वैल्यू फाइंड करना था, इंटीग्रल आई क्या बन जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप में अगर हम दिखाएं इसको, आई इज इक्वल टू एक बार देखा आई क्या था हमारा, ये था माइनस साइन आई वन माइनस साइन ऑफ आई वन -2 टाइम्स ऑफ I2 -2 टाइम्स ऑफ I2। हमारा आई वन कितना आया है, आई वन आया है हमारा 2 टाइम्स ऑफ ये आया है, तो -2√4 - 3x - x² -2 I2 कितना आ गया साइन इनवर्स 3x+2x+3/5 प्लस सी, सी जो है -C1 -2C2 को हमने ले लिया, सी लिख लिया। ये समझ में आया आपको, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।